नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर एट। एट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 6/15। 6/15, अब इसको आप लिख सकते हो, सबसे पहले डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, या इसको आप 6/15 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 3 6, 5 3 15, ये कितना आ गया, 2/5 आ गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, सिंस द डिनोमिनेटर हैज ओनली 5 एज इट्स फैक्टर, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं 10, 6/15 हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया 35/50। अब आप क्या करो, पहले डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। हम लोग 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं, या एक चीज करो, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो इसको पहले हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, इसके बाद डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 35/50 है, 7/5 35, 10/50, ये कितना आ गया, 7/10 आ गया, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/2 × 5। अब यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, 2 × m × 5 के फॉर्म में, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 m × 5 m, दस 35/50 हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है 77/210। अब यहां पे आप चाहो तो पहले डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 210 को, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 × 11 और बाय 30 × 7, यहां से 7 और 7 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 11/30 आ गया। 30 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। अब यहां पे देखो, द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 m × 5 n, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, 77/210 हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। यहां पे आप इसको लिख सकते हो, क्या कहा गया क्वेश्चन में, कि आपको राइट डाउन करना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है। अब इसको सबसे पहले आप फर्स्ट यहां पे टर्मिनेटिंग वाले में आ जाओ, तो फर्स्ट वाला जब आप चेक करते हो, यहां पे देखो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट जो था वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, और ये कितना था, 13/3125 था। इसका मतलब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट 13/3125। अब यहां पे इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड अगर इसको करते हो तो 3125 से डिवाइड करना होगा 13 को, इसका मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, दिया जाएगा आपको 0 पॉइंट देंगे तो यहां पे एक जीरो आ जाएगा, फिर एक यहां पे जीरो देंगे तो यहां पे एक जीरो आ जाएगा, अभी भी डिवाइड नहीं होगा, अब एक और जीरो देंगे यहां एक और जीरो आ जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब यहां पे आ गया 13000, ये है 3125। अगर इसको हम लोग 4 times मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 12000 के आसपास, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 4 20 का 0 कैरी 2, 4 2 8 2 10 का 0 कैरी 1, 4 1 4 1 5 और 4 3 12, ये कितना आ जाएगा, यहां से 500 आ गया, और ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, पॉइंट ऑलरेडी दिया गया, यहां पे एक 0 खुद आ जाएगा। अब इसको हम लोग 1 times करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 3125, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 75, 9 में से 1 माइनस होगा तो 8,
और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 4 में से 3 माइनस होगा 1, पॉइंट दिया गया ऑलरेडी यहां पे एक जीरो आ जाएगा। अब इसको हम लोग 6 टाइम्स करते हैं, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 3 15 का 5 कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7 और 6 3 जा 18, ये क्या आ गया कैंसिल, फाइनली कैंसिल हो गया। इसका मतलब हम लोग 13 बाय 3125 और इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, 0.00416, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आप चेक करो कि किस नंबर को कौन सा जो था वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में था, फर्स्ट के बाद सेकंड क्या था, यह भी टर्मिनेटिंग में था और 17 बाई 8 है, आप सेकंड में आ जाओ 17 बाई 8। इसका मतलब आपको क्या करना है, अब आपको डिवाइड करना है 8 के साथ, 8 से डिवाइड करना है किसको, 17 को, 8 टू जा 16 117 पॉइंट 0, 8 1 जा 8 210 यहां पे 0, 8 टू जा 16 4 आ जाएगा यहां भी 0, 8 5 जा 40, इसका मतलब यहां पे क्या आ गया, फाइनली कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब 17 बाय 8 को आप क्या लिख सकते हो, यह आ जाएगा आपको 2.125, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब चेक करते हैं कि कौन सा जो है वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में था, यहां पे थर्ड वाला क्या था टर्मिनेटिंग में था और नंबर क्या है 64/455, थर्ड में आ जाओ और ये आपको दिया गया 64/455, ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका 64/455 का। एक मिनट एक बार रीचेक कर लेते हैं, थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में हम लोगों का क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म था, इसका मतलब यहां पे 13 भी आ गया था डिनोमिनेटर में तो ये नहीं होगा, तो यहां पे आप लिख लो थर्ड थ्री नंबर में हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 को चेक करो कि 4 क्या है, 4 जो आपको दिया गया वो क्या था टर्मिनेटिंग था और ये 15 बाय 1600 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 बाय 1600। इसका मतलब आपको क्या करना है कि 1600 से डिवाइड करना है 15 को, 0 पॉइंट यहां पे एक जीरो आ जाएगा, फिर एक जीरो देंगे यहां भी एक जीरो आएगा, अभी भी नहीं लग सकता, अब यहां पे जीरो देंगे फाइनली यहां पे अब जीरो आएगा, अब यहां पे 1600 है और यहां पे 15000 है, अब डिवाइड किया जा सकता है। इसका मतलब अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपको 16 9 144 होता है, 9 टाइम्स 144 और 00 आ जाएगा, 00 10 में से 4 माइनस होगा तो 6 और ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, फिर एक यहां पे 0 आ जाएगा, 1600 3 टाइम्स करेंगे 4800 आ जाएगा और यहां पे कितना आ जाएगा माइनस होने पे 1200, इसके बाद 1200 आएगा फिर यहां पे एक जीरो आ जाएगा, 1600 7 टाइम्स अगर करेंगे 16 7 जा 112 यहां पे आ जाएगा 112 00, 00 3 में से 2 माइनस होगा 8 और यहां पे ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, अब यहां पे फिर एक जीरो आ जाएगा, अब 1600 16 5 जा कितना होता है 80, इसका मतलब 80 हुआ और आगे 00 आ गया, कैंसिल 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 और कैंसिल, अब रिमाइंडर क्या आ गया 0, इसका मतलब हम लोग 15 बाय 1600 को क्या लिख सकते हैं, यह आ जाएगा आपको 0.009375, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, यहां पे आप इसके 5 को चेक करो कि 5 क्या है, तो 5 आपको दिया गया, 5 आपको क्या दिया गया है, 5 को अगर हम चेक करते हैं तो ये हमें यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, 6 आपको दिया गया है ये आपको टर्मिनेटिंग है और क्या है 23/2 to the power 3 × 5 to the power 2, यहां पे आप इसको लिख लो क्वेश्चन नंबर 6 23/2 to the power 3 × 5 to the power 2, इसको क्या लिखा जा सकता है 23/2 to the power 3 it means 8, 5 का स्क्वायर इट मीन 25,
इसको लिखा जा सकता है 23 बाय 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 200। अब आपको क्या करना है कि 200 से डिवाइड कर लेना है 23 को, 0.0 आ जाएगा। अब यहां पे 1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 1 जा 200, यहां पे 30 आ जाएगा। फिर पॉइंट है तो ऑलरेडी यहां पे 0 आएगा, फिर 1 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 200, माइनस करने पे आ जाएगा 100, फिर यहां पे 0, 5 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। कैंसिल हो गया, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, इसका मतलब हम लोग 23 बाय 2 टू द पावर 3 इनटू 5 टू द पावर 2 को डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, यह आ जाएगा 0.115, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन में आप चेक करो कि 7 नंबर क्या था। 7 नंबर आपको दिया गया था नॉन टर्मिनेटी है, इसको तो लेना ही नहीं है। अब आ जाओ 8 नंबर पे, 8 नंबर में आपको क्या दिया गया, टर्मिनेटिंग है, तो यहां पे 8 नंबर यहां पे लिख लो आप। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है 6/15, अगर आप यहां पे 15 को डिवाइड करते हो 6 के साथ तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0.04 जा ये आ जाएगा 60, यहां से कितना आ गया आपको, आ गया 0.4, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ये 6/15 है, और ये किसके इक्वल आ गया, ये आपको आ गया 0.4 के इक्वल। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया था 35/50। ओके, अब अगर हम 50 से डिवाइड करते हैं 35 को, 0. यहां पे 0 आ जाएगा, 50 7 टाइम्स करेंगे तो 350 आ जाएगा, इसका मतलब रिजल्ट कितना रहा, 0.7 रहा। इसका मतलब 35/50 को क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लोग 0.7 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 के बारे में अगर ये चेक करेंगे तो ये आपको दिया गया था 77/210, अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में आएगा, इसका मतलब आपको यहां लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन आर गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, आपको पता करना है कि ये रेशनल है या नहीं। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू, अगर ये रेशनल है और पी वाई क्यू के फॉर्म में है तो वी कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, कह रहा है कि क्या आप क्यू के इट्स डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या कह सकते हो। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। 1 में आपको दिया गया है, आपको गिवन है 43.123456789। ओके, अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्या लिख सकते हैं इसको, ये क्या होगा, अगर इसको आप गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि पी बाय क्यू के फॉर्म में आ सकता है, और क्यू को जैसे ही हम लोग अगर फैक्टराइज करते हैं तो ये आ जाएगा आपको 2 और 5 ओनली। यहां पर आप लिख सकते हो सिंस इट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू हैज एंड क्यू, यहां पे आप लिख सकते हो एंड क्यू जो कि डिनोमिनेटर के प्लेस पे है, इसका प्राइम फैक्टराइज अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 और 5 ओनली। हम लिख सकते हैं क्यू हैज फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 ओनली। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में आपसे पूछा गया 0.120, इसके बाद 1200, फिर 1200, फिर 1240, और ऐसे ही आगे ये कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये आपको दिखने से पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है क्योंकि रिपीट भी तो नहीं कर रहा है। हम लोग कह सकते हैं सिंस इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, इट इज एन इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। थ्री नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 43.12345678 9, और उसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, इसे हम लोग बार भी कह सकते हैं, 43.12345678 9, और इसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल है। इसका मतलब ये कभी भी जो है वो आपको रेशनल नंबर नहीं हो सकता। यहां पे आप लिख सकते हो सिंस इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू हैज फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गया, और साथ ही साथ आपका चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब यहां पे हम लोग कुछ समरी दिए गए हैं, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे आपको दिया गया इन दिस चैप्टर्स वी हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट, क्या सब? सबसे पहले हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखा, क्या कहता है वो, कह रहे कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एग्जिस्ट होल नंबर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर जो है वो ग्रेटर है, ग्रेटर और इक्वल जीरो के है और लेस देन बी के है। ओके, ए इक्वल्स टू क्या आ गया, बी क्यू प्लस आर, आप लोग जान चुके हो। सेकेंड था आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, क्या बता रहा था, दिस इज बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू दिस द एचसीएफ ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, मतलब ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर हम लोग उसका एचसीएफ फाइंड करते हैं, कंडीशन क्या है, अगर ए ग्रेटर हो बी से, इसका मतलब अगर हम लोग अप्लाई करते हैं डिवीजन लेमा क्यू और आर के लिए, तो हम लोग कह सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आएगा, जहां पे आर लेस होगा बी से और ग्रेटर और इक्वल होगा जीरो के, और जब आर इक्वल टू जीरो आ जाएगा, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं एचसीएफ जो होगा वो बी आएगा, और आर डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, हम लोग अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा बी और आर के लिए, और ये कंटिन्यूअस तब तक आगे बढ़ता जाएगा जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर आपका जीरो आ जाएगा तो डिवीजर के पोजिशन पे जो होगा वही आपके लिए एचसीएफ बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट था आपका टॉपिक नंबर थ्री द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, कार्य की एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब कहा गया कि कोई भी कंपोजिट नंबर है जिसे हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। अब नेक्स्ट था आपका पी जब प्राइम होगा, अगर पी डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को तो पी डिवाइड्स ए, ऑब्वियस है पी ए, इसका मतलब अगर पी ए स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो पी ए से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब ए जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा इस प्लेस पे। इसके बाद हमने क्या देखा कि रूट टू और रूट थ्री के बारे में ये आपको प्रूफ करने के लिए पूछा गया था कि आपको ये रेशनल है या इरेशनल है, और इरेशनल है तो आप इसको प्रूफ करो। ओके, अब नेक्स्ट आपको था कि जब भी कभी एक्स को इरेशनल नंबर होता है तो उसको अगर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कभी भी पी वाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे पी और क्यू आपको को प्राइम हो, तो ऐसे कंडीशन में जैसे ही हम लोग डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो 2 × 2⁵n × 5⁵m के फॉर्म में आता है। और यहां पे आपको रूल पता है कि इसके अलावा अगर किसी और फॉर्म में आ जाए, इसका मतलब इस फॉर्म में जैसे ही आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर्स है या तो एक्स कह लो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब ये रेशनल नंबर में है। ओके, और इसके अलावा अगर कोई और फॉर्म होगा तो वो इरेशनल का होगा। अब यहां पे नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग एक्स इक्वल्स टू पी बाई क्यू माने थे और बी रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू, क्यू कहने का मतलब डिनोमिनेटर, जब भी आपने डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया किस फॉर्म में आता था, 2⁵n × 5⁵m के फॉर्म में, जहां पे आपको n और m जो था वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स थे। इसका मतलब x के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, जहां पे आपको x इक्वल्स टू दिया गया था p बाई क्यू और ये कोई रेशनल नंबर है, such that the prime factorization of q, जैसे q कहने का मतलब denominator, denominator का जैसे ही हम लोग prime factorization करेंगे, of the form 2⁵n × 5⁵m, where n और m जो होगा वो negative integers होगा, the x has a decimal expansion which is non-terminating repeating, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि x का जो decimal expansion होगा वो क्या होगा, non-terminating और repeating होगा, इसका मतलब हम लोग recurring भी कह सकते हैं। okay?